मैं ये क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स ले रहा हूँ। ये कोई चैप्टर नहीं है आपका, ये आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है जो आपको फिजिक्स को इजी कर देगा। इजी इन द सेंस मतलब जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो आपके नीट और JEE में न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके लिए, और जो आप डेरिवेशंस और थ्योरी पढ़ते हो उसके अंदर जो डेरिवेशंस आएगा, फार्मूला डिराइव करना होगा, तो उसमें आपको ये जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं ये बहुत हेल्प करेंगे। तो हम अभी तक क्लास 10 तक आपने आपने मेंसुरेशन पढ़ लिया, जिसमें आपने एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल ये सब पढ़ा है। फिर आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये सब, फिर आपने वो भी सब पढ़ा हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें आप पहले ही, ट्रिग्नोमेट्री भी आप क्लास 10th में बहुत तक पढ़ के आ चुके हैं, और यहाँ पे कुछ थोड़ा आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 11th की, मैं ये मैथ्स का लेक्चर नहीं है, ये फिजिक्स के लिए ही है, ठीक है ना। पर जो वो पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके बाद लॉगरिथम भी है, डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। तो ये सब वो सब मैं इस वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। ये आपको क्लास 11th में फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री पे आता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल मेजर करने के तीन सिस्टम होते हैं, मैंने दो डिस्कस किए क्योंकि तीसरा जो है वो आपके इतना यूज में नहीं आएगा। तो आपको पता है वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन के ऊपर आप ये जो डिग्री देख रहे हो, ये डिग्री एक्चुअली बताता है कि जब ऐसा लिखा हो वन के ऊपर डिग्री, इसका मतलब मिनट्स में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 60 मिनट होगा, और मिनट का मतलब होता है एक डैश, डैश मतलब 60 के ऊपर क्या आ जाएगा, एक सिंगल डैश आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वन डैश लिखता हूँ, यहाँ पे एक सिंगल डैश है, तो वन डैश का मतलब होता है वन मिनट, है ना। वन डैश का मतलब क्या होता है, वन मिनट। तो वन मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और 60 सेकंड को लिखना है मतलब अगर सेकंड को लिखना है तो एक डैश की जगह आप क्या लगा देंगे, दो डैश। तो अगर आपका डबल डैश लिखा है दैट मीन्स वो सेकंड है, और अगर आपका एक सिंगल डैश लिखा है मतलब वो मिनट है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम आ जाते हैं सर्कुलर सिस्टम, मतलब एंगल मेजर करने का मेजर करने के लिए दूसरा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। रेडियन इसकी यूनिट होती है जो आपका सर्कुलर सिस्टम को मेजर करने के लिए होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटर ओ है, ये रेडियस आर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था ए पे, वो ए से ऑब्जेक्ट कहाँ ट्रेवल करके गया, बी, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल, है ना। और ये क्या है, रेडियस, ठीक है, और ये क्या है, थीटा। थीटा मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल चेंज किया, यहाँ पे था, यहाँ से मतलब यहाँ पे था और यहाँ से बी पे गया, तो उसका एंगल कैसे चेंज हुआ, ऐसे था और ऐसे गया, ठीक है, ऐसे था पहले और ऐसे, तो कितना एंगल ट्रेस हुआ, ये थीटा ट्रेस हुआ। थीटा मतलब एक अननोन एंगल, थीटा का मतलब क्या हो गया, एक अननोन एंगल। वो अननोन एंगल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी होगा, ठीक है। तो आपको अगर इसका एक रिलेशन निकालना है तो जो थीटा जो अननोन एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज एल अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, और फिर आपने थीटा इसमें सर्कुलर सिस्टम में कौन सी यूनिट है मेजर करने के लिए, रेडियन, तो आर्क अपॉन रेडियस और क्या आ जाएगा, रेडियन, ठीक है। अब थीटा जो है, अगर मैं मान लूं ए से ऑब्जेक्ट चला था और ए पे वापस आ गया, तो पूरा एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर कर लेगा। सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर करेगा मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr डिवाइडेड बाय क्या था, फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस, तो 2πr बाय आर, तो ये आर और ये आर कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2π रेडियन, मतलब थीटा कितना होगा, 2π रेडियन, ओके। तो ये एक चीज बनती है, ये एक रिलेशन बनता है, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का जो एक रूल है क्वाड्रेंट वाला, थीटा इज इक्वल्स टू 2π रेडियन, ये तो आपको समझ में आ ही गया, क्लियर। तो अब मैं जो आ जाता हूँ ये इस रूल पे आ जाता हूँ, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट रूल बोलते हैं। ये आपको पता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जनरली एक याद करने का तरीका है, ए एस टी और सी, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 0 डिग्री, फिर आप 90 डिग्री और मूव करेंगे, ये 90 डिग्री की लाइन आ जाएगी, फिर आप मूव करेंगे तो ये 180 डिग्री की लाइन आ जाएगी, फिर आप 90 डिग्री मूव करोगे तो 270 में 90 और जोड़ दो कितना हो गया, 360, मतलब 0 डिग्री। जब ये पूरा घूम के आएंगे हम तो वापस क्या होगा, 0 डिग्री वाली लाइन पे 360 बन जाएगा, है ना।
तो अब यहाँ पे जो चार क्वाड्रेंट है उसमें क्या नेचर होते हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या थे? साइन, कॉस और टैन, और इनके रेसिप्रोकल क्या थे? साइन का कोसेक, टैन का कॉट और सेक का कोसेक। तो छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में छह के छह मतलब ए मतलब ऑल, ऑल क्या होंगे? पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टैन, फिर कोसेक, फिर सेक और आपका कॉट। ये छह के छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहली क्वाड्रेंट में क्या होंगे? इनका नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसलिए मैंने ए लिखा ऑल। फिर आ जाते हैं साइन पे। एस मतलब क्या हो गया? एस मतलब हो गया ओनली साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो यहाँ पे साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस होगा। इसका मतलब होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन और कोसेक ही प्लस होगा। ठीक है, तो मतलब बाकी चार कौन से? कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव। तो ये हो गया ऑल, साइन। फिर आ जाते हैं टी। टी मतलब टैन। टैन का मतलब हो गया टैन का फंक्शन पॉजिटिव होगा। टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हो गया टैन और कॉट तो पॉजिटिव है, तो बाकी चार कौन से बचे? साइन, कॉस, कोसेक, सेक, ये सभी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, फोर्थ में आपका कॉस, कॉस ही पॉजिटिव है। मतलब फोर्थ में एक तो कॉस पॉजिटिव आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक और सेक, ये तो पॉजिटिव आएंगे। बाकी छह में से ये दो पॉजिटिव होंगे और बाकी चार क्या होंगे? नेगेटिव। मतलब साइन, कोसेक और टैन और कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे? नेगेटिव। तो ये जो पार्ट था ये था आपका बहुत जानने वाला कि इसमें क्वाड्रेंट में अलग अलग क्वाड्रेंट में फंक्शंस की जो नेचर रहता है वो कैसा होता है। और ये याद रखिए ये जो लाइन 0 डिग्री की है, 90, ये 180, ये 270 और ये 360, क्योंकि अभी मैं जो टी रेशियोज ऑफ एलीड एंगल्स पढ़ाऊंगा उसमें इसका बहुत यूज आएगा। क्योंकि 90 डिग्री वाली लाइन क्या होती है? वो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देती है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपने क्लास 10th में पढ़ के आए थे। जैसे आप साइन 90 माइनस थीटा, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता है आपका? साइन थीटा। ये आप क्लास 10th में ही पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी वो कुछ रेशियोज यूज होंगे। और ये तो 90 के रिस्पेक्ट में ना, 90 में क्या होता है? साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। पर 90 के अलावा कोई एंगल होगा, जैसे 180 हुआ, 270 हुआ, तो ये चेंजेस नहीं होते हैं, वही मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, कर रहे हैं आपका टी रेशियोज ऑफ एलीड एंगल्स। तो एलीड एंगल्स में ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था, जो 2π रेडियन मैंने आपको बताया था, जब वो पूरा सर्कल घूम लेगा मतलब 360 डिग्री रोटेट कर लेगा, तो एंगल रेडियन में कितना होगा? 2π। तो 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये आप चीज़ याद रखिए कि पाई रेडियन क्या होगा? 180 डिग्री है ना। और अगर आप इसमें से 1 रेडियन निकालना चाहते हैं तो पाई को उधर ले जाइए, तो 1 रेडियन क्या आएगा आपका? 1 रेडियन आएगा, 180 आएगा, 180 बाई पाई। ओके, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर रेडियन को आपको डिग्री में ले जाना है या जैसे भी आप चाहें, ये मैथ्स वाले ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ टी रेशियोज ऑफ एलीड एंगल्स। तो टी रेशियोज ऑफ एलीड एंगल्स अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइन माइनस ऑफ थीटा, मैंने लिखा है माइनस साइन थीटा। अब ये कैसे? पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप एंगल मेजर करते हैं तो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल आप अगर आप एक एंगल एक कोई एंगल बढ़ रहा है तो वो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? पॉजिटिव एंगल में, जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि एंगल है तो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ कितना है? 90 है। तभी तो आप बोलते हो कि ये जो पूरा एंगल है ये कितना है? 90 है। तो ये आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपसे बोला जाए कि एंगल माइनस में, माइनस में मीन्स वो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज। मतलब अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज एंगल है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। या नेगेटिव एंगल क्या बताएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने का, और पॉजिटिव एंगल क्या बताएगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमने का। क्योंकि आप कभी भी देखना, आप कोई भी एंगल बनाइए, 30 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी बनाओ प्रोटेक्टर से, आप हर बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो पेंसिल को या जिसे आप बना रहे हो। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तभी एंगल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव तरफ जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है
साइन क्या माइनस ऑफ थीटा वो है माइनस साइन थीटा, जनरली याद भी रख सकते हैं, और याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप पहले ही पढ़ कर चुके हैं ऑल साइन टेन और कॉस, ये आपने सभी कर लिया, सबने कर लिया। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है ये अगर यहाँ पे साइन है, ये जो लाइन है 0 डिग्री वाली, तो माइनस थीटा का मतलब है कि एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहा, पीछे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका साइन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका साइन जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि इस वाले में ओनली कॉस और सेक क्या होंगे, यही दो होंगे पॉजिटिव, बाकी तो क्या होंगे नेगेटिव, इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। अब आगे देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस क्या है माइनस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं प्लस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एंगल माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि साइन अगर कोई लिखता है माइनस 30 तो उसका मतलब हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 30, ठीक है, पर अगर कोई लिखेगा कॉस ऑफ माइनस 30 तो उसका मतलब कॉस 30, तो इसमें मेजर डिफरेंस आ जाता है, साइन ऑफ माइनस 30 माइनस साइन 30 हो गया, कॉस ऑफ माइनस 30 माइनस कॉस 30 नहीं हुआ, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में कॉस क्या है प्लस है, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब है कि वो किस में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज बताने वाली थी। अब बाकी भी क्या होंगे नेगेटिव, जैसे टेन ऑफ माइनस थीटा, तो टेन ऑफ माइनस थीटा किस में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोसेक टेन और कॉट सब नेगेटिव है, तो इसलिए टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, क्लियर। तो ये पहली चीज समझाई, अब आ जाते हैं दूसरे पे। देखिए ये जो आप चीज पढ़ रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आप 10th में ही पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा रहा हूँ। आपको पता है कि ये जो लाइन है ये वाली है ना, ये कौन सी लाइन है 90 डिग्री की। अच्छा अब आपके पास एंगल है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम, 90 से कम ना थीटा एंगल क्या हो रहा है ना, 90 माइनस थीटा मतलब वो थीटा भले 5 डिग्री भी होगा तो 90 माइनस 5 85, तो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, आप खुद ही सोचिए, ये 0 की लाइन ये 90 की, मतलब इसके इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो एंगल है 0 से 89.9 है ना, तो 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया यहाँ पे जो लाई करेगा 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, जो वो फंक्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लिखा है, ऑल का मतलब है सारे के सारे फंक्शन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है पॉजिटिव है। पर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 90 डिग्री एक डिसाइडिंग लाइन होती है, डिसाइडिंग लाइन मतलब जो साइन को कॉस में कर देती है, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, और कोसेक को सेक में, तो यहाँ पे वही होगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर रहेंगे सब प्लस, यहाँ पे देखो कहीं पर भी माइनस नहीं दिखेगा, प्लस इसलिए क्योंकि ये 90 माइनस थीटा यहाँ लाई करेगा, किसमें लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से या ऐसे जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, और 90 प्लस थीटा होता तो कैसे जाना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, अभी बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगल का बढ़ना, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है आपके प्लस है पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक, तो ये सब प्लस प्लस है, बस इनका कन्वर्जन हो जा रहा है, साइन का कॉस का साइन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, कॉट का टेन में, टेन का कॉट में, तो ये जो पहली चीज थी ये थी आपकी 90 माइनस थीटा। अब यही चीज थी मैंने जो दूसरी बताई वो है 90 प्लस थीटा, तो आप खुद डिसाइड करिए 90 प्लस थीटा का क्या मतलब हो गया, 90 प्लस थीटा का मतलब ये लाइन 90 की है, ये 990 की 90 प्लस थीटा है, मतलब एंगल कहाँ जाएगा ऐसे जाएगा ना यहाँ जाएगा, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ साइन साइन एक तो साइन पॉजिटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब इनका जो ट्रिग्नोमेट्री आप जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो साइन और कोसेक प्लस रहेंगे,
बाकी जो बाकी के चार है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है साइन 90 प्लस थीटा तो प्लस है। क्यों प्लस है? क्योंकि आप साइन यूज कर रहे हैं और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। देखिए साइन कॉस में तो कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल जो डिसाइडिंग है वो 90 है, और मैंने बता दिया कि 90 वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली होगी, ये वाली जो लाइन है 90 वाली, ये साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देती है, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, ये लाइन कन्वर्ट करेगी। पर बाकी लाइन कन्वर्ट नहीं करेगी, 0 डिग्री वाली लाइन कन्वर्ट नहीं करेगी, 180 वाली नहीं करेगी, 270 वाली नहीं करेगी, 360 वाली नहीं करेगी, ये सब कन्वर्ट नहीं करने वाले, ठीक है। केवल 90 डिग्री वाली लाइन साइन को कॉस में, कोसेक को सेक में कन्वर्ट करती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिर आता है आपका कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब कॉस किस क्वाड्रेंट में जंप कर रहा है, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक प्लस है, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। माइनस का मतलब है कॉस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, नेगेटिव है। आप यहाँ साइन आ गया, इसका मतलब प्लस मत समझिएगा, क्योंकि कॉस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कॉस को हम जंप करवा रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। उसी तरह टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। देखिए यहाँ पे टेन का कॉट वही बता चुका हूँ, 90 की लाइन होने की वजह से हो रहा है, पर माइनस माइनस आएगा, केवल किसमें प्लस आएगा, कोसेक में। क्यों कोसेक में, क्योंकि अभी बताया ना दो ही चीज पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक, तो कोसेक 90 प्लस थीटा मतलब 90 ये रहा, और प्लस थीटा मतलब किसमें जंप कर गया, इस वाले में। तो कोसेक 90 प्लस थीटा मतलब क्या होगा, सेक थीटा, यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि कोसेक है, और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस। बाकी चारों जो है माइनस माइनस है। देखिए कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। क्लियर, स्टार्ट कर रहे हैं आगे का। तो आपका यहाँ पे आ रहा है साइन 180 माइनस थीटा, तो आपको अब खुद डिसाइड करिए 180 माइनस थीटा का क्या मतलब है। 180 माइनस थीटा का मतलब है ये 180 डिग्री लाइन है, माइनस थीटा का मतलब कैसे जाना पड़ेगा 180 डिग्री लाइन से, आपका क्लॉकवाइज माइनस है ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज अगर घूमोगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। मतलब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये लिखने के तरीके हो गए, मतलब 180 माइनस थीटा बोलो या 90 प्लस थीटा बोलो, दोनों के वैल्यूज कहाँ लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये 180 माइनस थीटा मीन्स कौन से क्या क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल साइन टेन कॉस, तो साइन, साइन मतलब साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बाकी सब कौन कौन से, टेन कॉट सेक और आपका कॉस, ये चार नेगेटिव होंगे। तो वो लिखा है मैंने साइन 180 माइनस थीटा, तो वो होगा साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस क्यों नहीं हुआ, तो बताया था मैंने कि 90 डिग्री होने की वजह से वो जो होता है साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, पर यह 90 तो है नहीं, यहाँ कौन कितनी डिग्री है, 180। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि बात किस में चल रही है, 180 माइनस थीटा किस में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री से पीछे, 180 डिग्री से पीछे किस, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। फिर है कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस कॉस ही रहेगा, पर क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस। टेन क्या होगा, माइनस, माइनस टेन थीटा। कोसेक भी क्या होगा, माइनस नहीं, कोसेक होगा प्लस। क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक क्या है, प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान रखिए, ये अगर याद रख लिया कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक माइनस सेक हो जाएगा और कॉट माइनस कॉट हो जाएगा, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आता है साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा, अब आपने, आपको पता है कि जब ये 180 डिग्री है, माइनस थीटा मतलब ऐसे जाना है क्लॉकवाइज, तो प्लस थीटा में कैसे जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमना पड़ेगा। ऐसा घूमना कैसा होता है, घड़ी ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या, पॉजिटिव। तो ये 180 प्लस थीटा, ये हो गया 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा हो गया आपका कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कौन पॉजिटिव है, टेन, और उसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। तो ये दोनों पॉजिटिव है, टेन और कॉट। अब बाकी के चार साइन कॉस, साइन कॉस और सेक और कोसेक क्या है, नेगेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा नहीं होगा, माइनस होगा,
180 डिग्री वाली लाइन है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। तो कॉस माइनस कॉस थीटा टैन क्या हो जाएगा, टैन 180 प्लस थीटा मतलब टैन थीटा। क्यों टैन थीटा माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टैन यहाँ पे पॉजिटिव है और कॉट भी पॉजिटिव है, इसलिए कॉट 180 प्लस थीटा भी क्या आएगा, कॉट थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा। क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि बाकी के चार डिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये आपका हुआ थर्ड क्वाड्रेंट की बात। ये क्या है, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो ठीक है, अभी आपने इतना तो कर ही लिया, ये 180 प्लस थीटा मैं रब कर देता हूँ और 180 माइनस वाला भी खत्म हो गया। अब आप मेरे को बताइए 270 क्या माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का क्या मतलब है, 270 की लाइन ये रही, माइनस मतलब कैसे घूमोगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमोगे आप तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, वापस आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्लस है, टैन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव। तो टैन और कॉट देखेंगे वो आपको प्लस मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये 270 वाली जो लाइन है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, 90 के साथ, तो ये भी कन्वर्जन करेगी। कन्वर्जन का मतलब है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली लाइन सेम ही है, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, इसमें आ गए, और साइन इसमें क्या है, नेगेटिव। पर 270 वाली लाइन है, 270 वाली लाइन मतलब 90 डिग्री वाली लाइन है, उसी को एक्सटेंड किया तो वो क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, आपका माइनस साइन थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा मतलब इस वाली जगह पे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस आएगा, कॉस 270 माइनस क्या थीटा, कॉस क्या है इसमें, नेगेटिव। तो कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या, साइन है। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट हो गया साइन और माइनस आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अब टैन की बात करें तो टैन 270 माइनस थीटा, टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट है, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा पर प्लस आएगा, रीजन है इसका प्लस होना। इसी तरह कोसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा। तो कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, तो वो हो जाएगा माइनस सेक थीटा। फिर आपका सेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कोसेक थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा क्या आएगा, आपका टैन थीटा, क्योंकि कॉट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, टैन में, क्योंकि 270 डिग्री वाली लाइन 90 से जुड़ी हुई है तो कॉट को टैन में कन्वर्ट कर देगी। sec कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक sec में हो जाएगा, पर ये सब नेगेटिव रहेंगे क्योंकि इस वाले में टैन और कॉट ही क्या है, पॉजिटिव है, ओके। साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा है मतलब 270 से आप कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आप आएंगे, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रेशियोज का क्या नेचर है, कॉस और sec क्या होगा, प्लस। और आप ये ध्यान दीजिए कि 270 की लाइन है, तो 90 और 270 की लाइन क्या करती है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देती है। तो साइन क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में हो जाएगा, साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, कोसेक हो जाएगा सेक में, सेक हो जाएगा कोसेक में, कॉट हो जाएगा टेन। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे, मतलब कॉस जो कन्वर्ट हुआ था और सेक जो कन्वर्ट हुआ था, कॉस मतलब ये वाली लाइन और सेक मतलब ये वाली लाइन, ये जो दो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि कॉस 270 प्लस थीटा साइन हुआ प्लस, और सेक 270 प्लस थीटा कोसेक, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस है, इसलिए कॉस वाला फंक्शन सेक वाला फंक्शन क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। बाकी आप सभी देखिए माइनस 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 और माइनस, ये माइनस माइनस सभी में रहेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी चार डिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है आपके, माइनस में। अब हम आ जाते हैं 360 माइनस थीटा। अब आप खुद ही सोचिए ये आपकी लाइन क्या है, 360 की लाइन है, 360 माइनस थीटा मतलब एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज एंगल का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होगा, 360 लाइन से आप क्लॉकवाइज आ जाइए, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में। तो बस लिखने का तरीका चेंज हो गया, 360 माइनस थीटा मतलब क्या, आए तो आप फोर्थ में ही हो, फोर्थ में आपके पास नेचर क्या है, कॉस और सेक क्या है, प्लस है, बाकी साइन कोसेक टैन और कॉट नेगेटिव है, इसलिए आप साइन देखिए ये वाला साइन, फिर आपका टैन, फिर आपका कोसेक और ये कॉट, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सभी नेगेटिव है, नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या थे, नेगेटिव, और यहाँ 360 है, 270 नहीं है, इसलिए साइन साइन में रहेगा, है ना, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा, टेन टेन कॉट कॉट, ठीक है, साइन साइन और कोसेक कोसेक में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो 360 डिग्री वाली लाइन है। इस वाली लाइन पे कोई चेंज नहीं होता है, इस वाली लाइन पे चेंज हो जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, तो कॉस कॉस थीटा और सेक सेक थीटा, ये दोनों प्लस रहेंगे, रीजन है फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस होता है। ओके क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपने क्लास टेंथ में नहीं पढ़े हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज साइन ए प्लस बी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपने क्लास टेंथ में 0 डिग्री 30 डिग्री 60 और 90 डिग्री की वैल्यू आपने सीखी थी, उससे आगे 120 डिग्री हुआ 150 डिग्री हुआ ये सब वैल्यू आपको नहीं पता थी, तो ये फॉर्मूले वहाँ बहुत यूज़ होते हैं। जैसे आपको साइन 120 पूछ लिया या कॉस 120 पूछ लिया, तो आप इन फॉर्मूले की हेल्प से उसको आप डिराइव उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे आपने ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 60 डिग्री मान लिया, मतलब आपका ए एंगल बी 60 डिग्री है और बी एंगल बी क्या है 60 डिग्री है, तो आपका पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है। तो साइन आपका ए कितना, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ 60 डिग्री और बी भी 60 है, तो साइन हो गया 60 प्लस 60, सही है, ए और बी कितने 60 60, तो इसका फॉर्मूला क्या है साइन ए कॉस बी, मतलब साइन 60 कॉस 60 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 60, क्योंकि ए और बी क्या है अलग अलग है। ऐसे आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे ए आप 60 ले लीजिए, बी आप 45 डिग्री ले लीजिए, तो 60 अगर आप ए 60 लेते हैं और बी आप 45 डिग्री लेते हैं, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, तो आप साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकल, ठीक है, इससे भी ये भी निकल सकता है। तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे साइन 60 है ना, साइन 60 होता है रूट 3/2 और कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉस 60 होता है फिर आपका रूट 3/2 और साइन 60 होता है आपका, हाँ वही रूट 3/2 इंटू 1/2 ही आएगा इसमें भी, ठीक है, बस वो आगे पीछे हो जाने वाला है, कॉस 60 1/2 इंटू साइन 60 रूट 3/2, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3/4 प्लस रूट 3/4, तो ये हो जाएगा 2√3/4, 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा √3/2, तो मतलब साइन 120 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। तो इस तरह से आप बाकी 105 डिग्री हुआ आपका कितना हो 135 हुआ, जैसे आपको 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन आपसे कोई बोलता है 135 डिग्री बताइए, तो 135 आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, आप ए को ले लीजिए 90 डिग्री, बी को ले लीजिए 45 डिग्री, तो आपको पता है ए प्लस बी कितना होगा, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं ए प्लस बी 90 प्लस 45, ए को 90 माना बी को 45, तो साइन ए साइन 90 कॉस 45 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 45, जो भी वैल्यू आएगी 90 और डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू, तो आप क्लास टेंथ में टेबल में पढ़ के आए हो तो आपको याद ही होना चाहिए, तो वो वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, वो बहुत सारे फॉर्मूले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हुई। इसी तरह अगर आपको कोई पूछता है और भी फॉर्मूले, जैसे कि आपके ये कॉस ए प्लस बी, मैंने साइन का बताया, ऐसी कॉस का आ जाएगा, जैसे कॉस 105 डिग्री निकालना है, कॉस 135 निकालना है, कॉस आपको 120 निकालना है, तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, कॉस ए कॉस बी और माइनस क्या होगा साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला है, ये सब आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। थर्ड आपका आता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी से भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि जैसे कि आपको बहुत कोई भी एंगल निकालना है, जैसे 75 डिग्री निकालना है, ठीक है, 75 डिग्री निकालना है आप 60, देखिए इसमें तो बहुत तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये आपके डेरिवेशंस में भी कवर होता है, डेरिवेशंस में ये बहुत ज़रूरी इसका यूज़ रहता है। उसी तरह कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अब जैसे कॉस ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी है, अगर मान लो आपको टेबल याद नहीं आ रहा, ठीक है, टेबल याद नहीं आ रहा है, मान लो आपको केवल 90 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की पता है कॉस की, तो इसके हेल्प से आप 60 डिग्री निकाल सकते हो, अगर 90 और 30 आपको पता है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख सकते हो ना कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कॉस 90 माइनस 30, अगर आप इसको ए ले लें और बी को
30 को क्या ले लें, बी ले लें, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, 90 माइनस 30 तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपका, इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और भी इसकी एप्लीकेशन डेरिवेशन में आएंगे, जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी डेरिवेशन को ईजी करने में। टेन ए प्लस बी, अब टेन की भी अगर वैल्यू निकाली, टेन 120 डिग्री को ही पूछे आपसे या टेन 135 डिग्री पूछे, तो आप ए और बी को कुछ भी सपोज कर सकते हैं। जैसे आप ए को 90 ले लीजिए, बी को 30 ले लीजिए, तो 90 प्लस 30 कितना होता है 120 होता है, तो टेन 120 आप इस हेल्प से, तो टेन ए प्लस टेन, टेन 90 प्लस टेन 30, वन माइनस टेन 90 इंटू टेन 30 करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, उसी तरह टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, तो ये सब फॉर्मूले हैं आपके। फिर टेन टू ए, टेन टू ए यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे जो टू ए ये एंगल है, ठीक है, तो टेन टू ए का फॉर्मूला क्या है, टू इंटू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और वन माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बहुत अलग अलग होती है, जैसे वन प्लस टेन स्क्वायर है तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए की भी वैल्यू है। ठीक है, तो टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए जो फॉर्मूला है वो किसका, टेन टू ए का है। ये सब अपने फॉर्मूले अलग अलग जगह पे यूज़ होंगे, ये फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, और इनका यूसेज जब आप क्वेश्चन करोगे तब ज़्यादा आपको पता चलेगा। जैसे आपको टेन कुछ भी कोई पूछ लेता है वैल्यू निकालने में, तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे। फिर आपका आ जाता है जैसे कि साइन टू ए, तो साइन टू ए का मतलब टू इंटू साइन ए कॉस ए भी होता है, ठीक है, टू इंटू साइन ए और कॉस ए ये भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई, मैं जस्ट सिंपल सा बताता हूँ, जैसे आपको कोई बोलता है कि ए आपने लिया 45 डिग्री, क्या लिया 45 डिग्री, तो साइन 2 इंटू ए, साइन 2 इंटू क्या हो गया 45 डिग्री हो गया ना, ए की जगह आपने क्या लगा 45 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा ना, 2 इंटू 45 वो कितना होता है 1, मतलब अगर ए में 45 लेता हूँ तो साइन 2 की वैल्यू क्या थी 1। अब देखो उसको वेरीफाई भी करते हैं, 2 साइन ए कॉस है, तो 2 साइन ए कॉस है क्या हुआ, 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45, सही है, क्योंकि ए आपने क्या लिया था 45, ये तो 90 हो गया, साइन 91 हो गया, 2 इंटू साइन ए कॉस है, तो 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45, साइन 45 कितना था 1 बाई रूट टू, कॉस 45 भाई था 1 बाई रूट टू, 2 इंटू 1 बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू, तो 2 इंटू 1 बाई टू, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू, तो 2 टू कट के आंसर क्या है 1, साइन 90 भी क्या था 1, तो ये यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, और इसको भी सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा, चाहे आप सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको जस्ट एप्लीकेशन बता रहा था, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला ही रख कर दिए। फिर है कॉस टू ए, कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और वो जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा साइन स्क्वायर ए, उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये ना, तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप चाहे कॉस टू ए लें या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लें या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लें, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, इसका सबका मीनिंग क्या है, सेम। तो ये कुछ फॉर्मूले है, इनको जब आप क्वेश्चंस में यूज़ करोगे तब आपको इसका और ज़्यादा यूसेज पता चलेगा। ये थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट आपको समझा दिया कि कहाँ कहाँ पे यूज होगा, इससे आपको आइडिया तो पक्का आ ही जाएगा। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री के वो हैं जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये जो मैंने स्टार्टिंग में भी फॉर्मूले पढ़ाए थे, साइन ए प्लस बी का था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला था, उन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दोगे तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्मूले से जो पढ़ाए थे उनमें से बन जाएंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज और हैं जो आपको लर्न करने हैं, या आप इनको डिराइव भी कर सकते हैं, ये कुछ बहुत टफ चीज़ नहीं है। इसके बाद आता है साइन सी, साइन सी प्लस साइन डी, जो कि होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह साइन सी माइनस साइन डी वो होगा 2 कॉस सी प्लस डी, यहाँ पे जो सी और डी हैं ये एंगल्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी जो आएगा वो आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर कॉस सी माइनस कॉस डी तो माइनस 2 साइन सी प्लस
डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म होती है। फॉर्मूलेज आपको लर्न करने, ठीक है, फॉर्मूलेज बहुत ज़रूरी है। ओके okay?